नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओबरा हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है कि कैसा रहेगा आने वाला मंथ फरवरी कुंभ लग्न या राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे क्या रहने वाली है आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति, और बात करेंगे आपकी हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, जॉब, बिजनेस, मैरिड लाइफ, लव लाइफ और एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फरवरी महीने में आपके चार्ट में ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश शनि की, जो कि इस पूरे महीने आपके ट्वेल्थ भाव में अपनी ही मकर राशि में रहेगा। लेकिन 18 फरवरी को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। 18 फरवरी तक शनि चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर रहेगा और इसके बाद शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र पर अपना गोचर शुरू करेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड धन भाव और लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की, तो वो पूरे महीने आपके लग्न भाव में ही रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड भाव जो कि हिम्मत का, साहस का, परकर्म का, और टेंथ भाव जो कि कर्म का, उसके स्वामी मंगल की, तो वह 26 फरवरी तक आपके 11th लाभ भाव धनु राशि में गोचर करेंगे और फिर उसके बाद वो 12th भाव मकर राशि में शनि और बुध के साथ युति योग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके फोर्थ सुख भाव और 9th भाग्य भाव शुक्र की, तो ये भी 27 फरवरी तक आपके 11th लाभ भाव में रहेगा और फिर आपके 12th भाव में मकर राशि में शनि बुध और मंगल के साथ युति योग करेगा। रही बात आपके 5th संतान भाव की और 8th भाव के स्वामी बुध की, तो वह पूरे महीने ही शनि के साथ आपके 12th भाव मकर राशि में रहेगा। इसके बाद बात करें 6th जो कि रोग, कर्ज, कंपटीशन का भाव है, उसके स्वामी चंद्र की, तो वह हर सवा दो दिन में अपना राशि और हर रोज एक नक्षत्र पर गोचर करता है। रही बात आपके 7th शादी और व्यापार भाव के स्वामी सूर्य की, तो 12th भाव में शनि और बुध के साथ मकर राशि में रहेगा 12 फरवरी तक और उसके बाद आपके लग्न भाव में आ जाएगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ ये युति योग करेगा। लास्ट में बात करें राहु और केतु की, तो राहु आपके 4th सुख भाव में और केतु आपके 10th कर्म भाव में रहेगा। ये थी जानकारी आपके चार्ट में क्या रहने वाली है स्थिति ग्रहों की, गोचर की फरवरी के मंथ में। अब चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला फरवरी का महीना। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो दोस्तों, या फिर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी या कल्पी जो एस्ट्रोलॉजी है उसके जो केस स्टडी हम अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसके साथ यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस लेकिन दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहने वाला फरवरी का आने वाला मंथ कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ के दृष्टिकोण से फरवरी के महीने आपको अपनी हेल्थ के प्रति दोस्तों सचेत रहना होगा, क्योंकि 12th भाव में लग्नेश शनि का और 5th भाव के स्वामी बुध और सूर्य के एक साथ होने से और इनके त्रिकोण में राहु होने से हेल्थ संबंधी कई परेशानियां खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, राहु 4th हाउस में होगा और शनि जो है 18 फरवरी तक चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करे, जिसकी वजह से आपको उच्चारण, छाती में जकड़न और कफ बढ़ने की समस्या हो सकती है। इस महीने आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही मौसम से संबंधित जो भी सावधानियां उसे आप जरूर फॉलो करें। बात करते हैं आपके कैरियर की। कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय चुनौतियां भरा रहेगा। 10th भाव में केतु और लग्नेश शनि का बुध के साथ 12th भाव में होने से और इनके त्रिकोण में राहु होने से इस समय आपको सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। काम करने वाले स्थान पर जो माहौल है वो आपको परेशान कर सकता है दोस्तों। कई उलझनों की वजह से काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन 12 फरवरी से परिस्थितियां आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य जो है 12 फरवरी को यहां से निकलकर लग्न भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएगा, जिसके कारण आपके जो भी आप काम करेंगे उससे आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपको सराहना मिलेगी और आपके कद में इजाफा होगा। इस समय आप नौकरी बदलने के बारे में कुछ ना कुछ विचार कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। गुरु और सूर्य की दृष्टि 7th भाव पर होने से कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह समय शुभ रहेगा। कारोबार और व्यापार अच्छा चलेगा, कारोबार में विस्तार होगा जिससे आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए भी यह समय काफी बेहतर है और आपको सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ के बारे में। फैमिली लाइफ के दृष्टिकोण से 4th भाव में राहु के होने से कुंभ राशि जो लग्न के जातक हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और माहौल शांत रखने की कोशिश करें।
माता पिता की हेल्थ संबंधी समस्या भी इस समय आपको परेशानी में डाल सकती हैं। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप परिवार के सदस्यों खासकर भाई बहनों की हेल्प यहाँ पर जरूर करते दिखाई देंगे। बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये महीना कुछ मिला जुला रहने वाला है दोस्तों। ट्वेल्थ भाव में बुध और शनि के विराजमान होने से आपके खर्चों में यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरों पर खर्च करने में भी आप इस समय पीछे नहीं हटेंगे। इस समय आप कुछ कर्ज भी ले सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी मानसिक परेशानियों में इजाफा हो सकता है, लेकिन 12 फरवरी के बाद सूर्य के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ आने से परिस्थितियां बदलेगी। नई नौकरी मिलने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। कारोबार में भी लाभ प्राप्ति से हालत जो है वो बेहतर बनेंगे पहले से। आमदनी बढ़ेगी, आप पुराने कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। बात करते हैं आपके एजुकेशन की। स्टूडेंट के लिए फोर्थ भाव में राहु, फिफ्थ भाव के स्वामी बुध के ट्वेल्थ भाव में जो स्थिति है वो स्टडी के लिहाज से ठीक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। लेकिन मन चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। बात करते हैं लव एंड मैरिड लाइफ के बारे में। कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। 26 फरवरी तक मंगल की फिफ्थ भाव पर दृष्टि होने से रिश्तों में टकराव पैदा हो सकता है। इस समय किसी भी गलतफहमी की वजह से आपस में तीखी तकरार होने की संभावना यहां पर बनती दिखाई दे रही है। इस समय आपको सोच समय से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो आपके क्रोध से बात और बिगड़ सकती है। लेकिन शादीशुदा जातकों के लिए सेवंथ भाव में पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है उत्तम रहेगी। पति पत्नी का आपसी तालमेल बेहतर रहेगा, दोनों के रिश्ते में मधुरता आएगी। हालांकि जीवन साथी के साथ अहम का टकराव भी संभव है, क्योंकि 12 फरवरी को सूर्य के बृहस्पति के साथ लग्न भाव में आने से आपकी परेशानी पड़ सकती है। राहु के फोर्थ भाव में होने से जीवन साथी और आपकी माताजी के बीच किसी तरह की कहासुनी होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों के दरमियान तालमेल बनाने में आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। कुल मिलाकर कहूं आने वाला जो साल फरवरी है कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए एवरेज रहने वाला है। उपाय की बात करें तो प्रत्येक शनिवार शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी कैसा रहने वाला है आने वाला मंथ जो फरवरी है कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।